जिस दिन मैं अन्ना का ब्लॉगर यानी अन्ना के लिए पहला ब्लॉग लिखा उस दूसरे दिन अन्ना ने मौन शुरू किया तो पूरा मीडिया सामने आया बोला कि तो का मतलब मैं बोलूंगा अभी जो बोलना है तो अन्ना मौन पे दूरे पूरे देश में हाहाकार के अन्ना मौन और मेरी बेटी थी घर में अंदर से मेरा फोन वहां से लेके दौड़ते हुए बाबा अन्ना का फोन है और रवि अंबेकर जस्ट दरवाजे पे था और अन्ना कौन व्रत में था रवि को सब मालूम था ये चापलूसी सब इसकी तो मुझे रवि ने कुछ बेचारे ने वो किया नहीं रिवील नहीं बाहर किया लेकिन पूरा इंटरव्यू होने के बाद मुझे पूछा कि अन्ना से बात हुआ ना राजू व्हाट वाज दिस इंडिया अगेंस्ट करप्शन ऑल अबाउट व्हाट वाज द रियल रीजन फॉर दिस एंबिशन हूज पर्सनल एंबिशन अरविंद सो हाउ डिड अन्ना गेट रोप्ड सी नंबर 1 इज अरविंद नंबर 2 इज अरविंद नंबर 11 12 13 इज अरविंद एंड हाउ डिड अन्ना गेट रोप्ड इनटू दिस अन्ना एक आपको स्क्रिप्ट मैंने बोला ना कि मैं आजाद हूं मैं एक ऐसा अनाथ आदमी चाहिए कि जिसके आगे पीछे कोई नहीं जिसकी न्यूज बन सके जो रिसेम्बलेंस हो जिसका गांधी जी वगैरह वगैरह से तो वो अन्ना उनको मिल गया वो ढूंढते रहे लेकिन उम्र भी है और यानी अनशन का वो कितना भी टाइम बढ़ा सकते हैं वो कैसे मुझे मत पूछो लेकिन कितना भी टाइम अनशन कर सकते ये सब जो सीन है वो अन्ना की कैरेक्टर को फिट था सो यू आर एक्चुअली टेलिंग मी दैट It is not Anna who created Arvind Kejriwal. It is Arvind Kejriwal who created Anna. Of course. Yes. Arvind Kejriwal is a very sharp and his political acumen is amazing.